विगत 5 दिसंबर से चल रहे लापता समर कुमार उर्फ ढोलू का पुलिस ने आखिर में लगा ही लिया पता। परिजनों में लौटी खुशियां, लोगों के मनों से मिटी शंका, लोगों में संशय बरकरार था कि आखिर समर कुमार उर्फ ढोलू का भी हश्र होगा मयंक राज की तरह। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आपको बताते चले कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत के रत्नपुर गांव से विगत 5 दिसंबर को समर कुमार उर्फ ढोलू पिता बड़ासी पासवान, जो अपने ननिहाल में रह करके पढ़ाई करता था, अचानक सुबह 7 बजे रहस्यमय तरीके से घर से लापता हो गया। और उसी दिन से समर कुमार के ननिहाल के सभी परिजनों में बेचैनी छा गई, इधर उधर ढूंढने लगे। अंतोगत्वा 6 दिसंबर को समर कुमार के मामा के द्वारा सूर्यगढ़ा थाना में समर कुमार के लापता गुमशुदा होने का आवेदन दिया गया। और ठीक उसके दूसरे दिन समर कुमार के मामा के द्वारा सूर्यगढ़ा थाना में 5 व्यक्ति को अपहरण करता, यानी शंका के आधार पे 5 लोगों को नामजद आवेदन दिया गया कि अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा मेरे भांजा समर कुमार उर्फ ढोलू का अपहरण कर लिया गया है, ऐसा मुझे शंका है। और कल अंतोगत्वा सूर्यगढ़ा पुलिस ने पता लगा ही लिया कि आखिर समर कुमार है कहां। तो समर कुमार बिहार से भटक कर या कुछ और, लेकिन है फिलहाल पश्चिम बंगाल के एक अनाथालय में। और आज रात्रि या कल सूर्यगढ़ा पुलिस समर कुमार को लाने पहुंचेगी पश्चिम बंगाल। और जब समर कुमार को लेकर के आएगी सूर्यगढ़ा पुलिस, तो उससे पुलिस और पत्रकारों के द्वारा जब पूछा जाएगा सवाल, तभी इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि आखिर समर कुमार स्वतः भटक कर पहुंचा बंगाल के एक अनाथालय में, या था कुछ और, क्या मुक्त हो पाएंगे 5 नामजद अभियुक्त जो समर कुमार के मामा के द्वारा बनाया गया है, दिया गया है आवेदन, वह आवेदन होगा निरस्त। समर कुमार उर्फ ढोलू के मामा के द्वारा लगाया गया आरोप क्या होगा निराधार या रहेगा बरकरार, या समर कुमार स्वतः भटक कर पहुंचा था पश्चिम बंगाल, या रहस्य से पर्दा उठेगा जब समर कुमार आएगा बिहार। तब तक के लिए बने रहें स्वजन समाचार के।